रिजर्व बैंक ने आम आदमी को फिर दिया झटका। लगातार छठवीं बार बढ़ाई ब्याज दरें। रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी। कार और होम लोन फिर होंगे महंगे। जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने महंगाई से जूझ रहे आम आदमी को एक और झटका दिया है। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% का इजाफा किया है। इससे रेपो रेट 6.25% से बढ़कर 6.50% हो गया है। यानी होम लोन से लेकर ऑटो और पर्सनल लोन सब कुछ महंगा हो जाएगा और आपको ज्यादा ईएमआई चुकानी होगी। हालांकि एफडी पर अब ज्यादा ब्याज दरें मिलेंगी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्याज दरों से जुड़ी ये घोषणाएं की हैं। द मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन एंड इट्स आउटलुक द एमपीसी डिसाइडेड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 4 मेंबर्स आउट ऑफ 6 टू इंक्रीज द पॉलिसी रेपो रेट बाय 25 बेसिस पॉइंट्स टू 6.5% विथ इमीडिएट इफेक्ट। कॉन्सिक्वेंटली the standing deposit facility that is SDF rate will stand revised to 6.25% and the marginal standing facility that is the MSF rate and the bank rate to 6.75%. The MPC also decided by a majority of 4 out of 6 members to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation remains within the target going forward while supporting growth. इससे पहले दिसंबर में हुई मीटिंग में ब्याज दरों को 5.90% से बढ़ाकर 6.25% कर दिया गया था। ब्याज दरों के बढ़ने के बाद मई से पहले जो होम लोन आपको 5.65% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिल रहा था, अब वो 8.15% पर पहुंच गया है। यानी 20 साल के लिए 20 लाख के लोन पर आपको हर महीने करीब 2,988 रुपए ज्यादा की ईएमआई देनी होगी। क्या पहले से चल रहे लोन पर भी बढ़ेगी ईएमआई? लोन की ब्याज दरें दो तरह की होती हैं, फिक्स्ड और फ्लोटर। फिक्स्ड में आपको लोन की ब्याज दर शुरू से आखिर तक एक जैसी रहती है, इस पर रेपो रेट में बदलाव का कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं फ्लोटर में रेपो रेट में बदलाव का आपके लोन की ब्याज दर पर भी फर्क पड़ता है। ऐसे में अगर आपने फ्लोटर ब्याज दर पर लोन लिया है तो आपकी ईएमआई बढ़ जाएगी। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को बजट पेश करने के बाद मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी की ये पहली बैठक है। ब्याज दरों पर फैसले के लिए 6 फरवरी से मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी की मीटिंग चल रही थी, जिसके बाद आरबीआई ने रेपो रेट में इजाफा किया है। ऐसे में आपको बताते हैं आरबीआई रेपो रेट क्यों बढ़ाता या घटाता है। आरबीआई के पास रेपो रेट के रूप में महंगाई से लड़ने का एक शक्तिशाली टूल है। जब महंगाई बहुत ज्यादा होती है तो आरबीआई रेपो रेट बढ़ाकर इकोनॉमी में मनी फ्लो को कम करने की कोशिश करता है। रेपो रेट ज्यादा होगा तो बैंक को आरबीआई से मिलने वाला कर्ज महंगा होगा, बदले में बैंक अपने ग्राहकों के लिए लोन महंगा कर देंगे। इससे इकोनॉमी में मनी फ्लो कम होगा। मनी फ्लो कम होगा तो डिमांड में कमी आएगी और महंगाई घटेगी। इसी तरह जब इकोनॉमी बुरे दौर से गुजरती है तो रिकवरी के लिए मनी फ्लो बढ़ाने की जरूरत पड़ती है। ऐसे में आरबीआई रेपो रेट कम कर देती है, इससे बैंकों को आरबीआई से मिलने वाला कर्ज सस्ता हो जाता है और ग्राहकों को भी सस्ती दरों पर होम लोन मिलता है आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत की जीडीपी का अनुमान 7% रखा गया है। इसके अलावा वित्त वर्ष 2023-24 में महंगाई दर 4% के दायरे से ऊपर रहने की संभावना जताई है। खैर, एक और जहां रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में बढ़ोतरी कर जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ाया, तो वहीं केंद्रीय बैंक के इस ऐलान का शेयर बाजार पर कोई खास असर देखने को नहीं मिला। नवद टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।